नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज फिर शुरुआत करते हैं हम टॉस्ट पेपर की, जो मॉक टेस्ट पेपर हमने स्टार्ट किया सीरीज, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा है तो इसमें कौन सा कारक हो गया, कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक हो गया। अगला प्रश्न, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कौन सा कारक होता है। जो क्रिया का जो आधार सूचित करे वो कौन सा कारक होता है, अधिकरण, अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ऋषिका, ऋषिका होता है इसका स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, मतलब आपको बताना है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दही हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग रहता है। इसका आंसर क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। ओके दोस्तों, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु किस वचन में है, मतलब ये कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है ये। तो साधु आ रहे हैं मतलब बहुत सारे साधु आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहुवचन में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में कितने होते हैं, तीन प्रकार के वचन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देयर इज फिलिंग द ब्लैंक होप ऑफ हिज रिकवरी। इसमें कोई एक वर्ड भरना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो पाए, तो देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, तो यहां पे क्या आएगा, लिटिल होप, LITLE, लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अगला प्रश्न, इन विच टेंस द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज, किस टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो ये तो सभी को पता होगा किस टेंस में होती है, पास्ट इनडेफिनिट में, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में इसकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। अगला प्रश्न, आई विल हैव डन माई वर्क इन ए वीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टेंस। ये जो एग्जाम्पल है आई विल हैव डन माई वर्क इन ए वीक, किस टेंस का एग्जाम्पल है, तो ये किस टेंस का एग्जाम्पल है, आई विल लगा है तो फ्यूचर हो गया, आई विल हैव डन लगा है थर्ड फॉर्म लगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूएसए इज, फिल इन द ब्लैंक्स, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भरना है आपको कोई आर्टिकल, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको भरना है कोई, इसमें आर्टिकल आपको भरना है। तो यूएसए इज फिलिंग द ब्लैंक्स रिचेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, द इज ए आर्टिकल, तो द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दोनों में THE भरा जाएगा। करुण रस का स्थाई भाव क्या है, करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है भाई, करुण कब आता है, जब शोक होता है, तो ये क्या होगा, शोक रस का स्थाई भाव रहेगा। अर्थे सत्यर विना वर्णान सा पुनः श्रुति, किस अलंकार से संबंधित है, तो ये किस अलंकार से संबंधित है, यमक अलंकार से। ये जो आपका जो शब्द सेंटेंस दिया है ये किस अलंकार से संबंधित है, यमक अलंकार से। अगला प्रश्न देखते हैं कि पितरों में कौन सा समास है, तो पितरों में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, पौर्वशाला का विग्रह क्या होगा, पौर्वशाला का विग्रह क्या होगा, इसका विग्रह आप लोगों को पता है तो मैं बता देता हूं, इसका है पूर्वस्याम शालायाम भवा, शालायाम और भवा, ये इसका विग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, द्विमुनम में कौन सा समास है, द्विमुनम में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्वियमुनन, माफ कीजिएगा शब्द में, शब्द है आपका द्वियमुनन में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है इसमें, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं कि पठित वत में प्रत्यय है, पठित वत में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आपको पता है जो शब्द के बाद में लगता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत वतु प्रत्यय है इसमें, ये इसका प्रत्यय है।
अगला प्रश्न देखते हैं, खून का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है? तो कौन सी बीमारी होती है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा किसके रोग से संबंधित है? आंख के, आंख की ये बीमारियां होती हैं ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है? ये तो सभी को पता होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है, मलेरिया का। मलेरिया, मलेरिया रोग का ये परजीवी है। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन जो होता है वो किसका प्रतिकरण होता है? इलेक्ट्रॉन का। इसका अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ शरीर में कितना खून होता है? तो इसका आंसर है 5 से 6 लीटर, इतना खून होता है स्वस्थ शरीर में। अगला प्रश्न देखते हैं कि दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो जो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको जल डमरू मध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य, डमरू मध्य। और इसको एक नाम से और बुलाया जाता है, इसको इस्थमस भी बोलते हैं, इस्थमस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यह है कलपक्कम में, कलपक्कम, कलपक्कम में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया जो एक होता है उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? मायोपिया टाइप की बीमारी होती है आंखों की, तो इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि और दोष, ये इसको मायोपिया बोलते हैं। सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संविधान ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? किस संशोधन ने दिया था? तो इसका आंसर क्या है? 74वां। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है भारतीय स्टॉक बाजार का? सेबी द्वारा, SEBI, सेबी द्वारा इसका किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, ताकि उनको मिलते रहे ये प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बच्चों की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए? बच्चों की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी कब शांत करनी चाहिए? भाई बच्चा कोई जिज्ञासा पूछे, कोई प्रश्न पूछे, तो उसको शांत कब करनी चाहिए? भाई तुरंत करनी चाहिए जब वो पूछे, तो इसका आंसर क्या है? तत्काल करनी चाहिए, तत्काल करनी चाहिए। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या है? तो इसका सर्वोत्तम कथन क्या होता है? कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्या इसका आधार, क्या कथन है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। अगला प्रश्न, वाइगोडस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? वाइगोडस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? ये वाइगोडस्की ने कहा था कि ये सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। जो बाल विकास जो होता है वो सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, ये कहा था वाइगोडस्की ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? अभी जो ये परियोजना स्थापित की है तो ये किस राज्य में स्थित है? यह है आपकी झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 से 19 अगस्त 2017 के मध्य भारत एशियन युवा सम्मेलन 2017 का आयोजन कहां किया गया था? तो कहां किया गया था, ये काफी फेमस रहा था और इसके ये किया गया था भोपाल में।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा मेंटर इंडिया अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा किया गया था? ये नीति आयोग के द्वारा किया गया था, नीति आयोग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी, इसको हम लोग एनडीबी भी बोलते हैं, एनडीबी का पहला क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया था? तो ये कहाँ खोला गया था? ये जोहान्सबर्ग में खोला गया था। और जोहान्सबर्ग सबको पता है कहाँ पे है? जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? ये है दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं? तो नए कौन नियुक्त हुए हैं? दीपक वर्मा, दीपक वर्मा, इसको लोग देश दीपक वर्मा भी बोलते हैं, देश दीपक वर्मा, ये नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए 75 पुलिस स्टेशनों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है? यह अभी हाल ही में ओपन हुई थी और ये काफी चर्चा का विषय भी रहा था। और इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कंप्यूटर से देखते हैं सूचना से कुछ प्रश्न। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है वो क्या होती है? भाई हम लोग क्या कहते हैं, बाइट में बात करते हैं स्टोरेज क्षमता की इकाई। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जावा का आविष्कार किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम्स, आप लोगों ने सुना ही होगा, सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी जो है वो किससे संबंधित है? स्टोरेज से, भाई मेमोरी स्टोरेज, स्टोरेज की ही तो मेमोरी की जाती है। अगला प्रश्न, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? ओरेकल आप लोगों ने सुना ही होगा, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं जीवन कौशल से कि बोर्डिंग स्कूलों की भांति ही भारतीय प्रणाली में भी विद्यालय होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जैसे आजकल बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं उसी प्रकार से भारतीय परंपरा में भी इस प्रकार के विद्यालय होते थे, उनको क्या कहा जाता था जहां पे बच्चों को भेज दिया जाता था, जो प्राचीन काल में चलते थे, जिनको कहते थे हम लोग गुरुकुल। ठीक है दोस्तों, गुरुकुल होते थे जहां पे बच्चों को भेज दिया जाता था, फिर बाद में पढ़ाई लिखाई, जैसे जैसे आजकल बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किसने कहा था शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने कहा था कि शिक्षक जो है वो एक दीपक की तरह होता है और जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है? ये कहा था टैगोर ने, टैगोर ने। और इनका पूरा नाम पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर लीजिएगा। तो एक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वह है जो उसने स्वयं प्राप्त की है, यह किसने कहा था? एक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वह है जो उसने स्वयं प्राप्त की है, तो यह किसने कहा था? यह कहा था वॉल्टर ने, वॉल्टर ने कहा था ये कि एक छात्र की सर्वोच्च शिक्षा का भाग वो होता है जो वो स्वयं प्राप्त करता है। तो यहां तक हमारे जो लघु उत्तरी प्रश्न थे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैथ सेक्शन की ओर। तो मैथ सेक्शन में हम लेते हैं पहला प्रश्न, ये एक सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण। 24.8 गुणा 0.73 गुणा 0.121 का पूरे को भाग देना है, 1.24 और 0.219 और 133.1, इसका आपको मान निकालना है। तो देखिए इसको आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें आप देखिए इसको सरल करिए, कैसे करेंगे?
देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात है कि डेसिमल की, तो डेसिमल सब हटा दीजिए, तो कैसे हटाएंगे डेसिमल भाई? 248 है ये, और गुणा है 0.73। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ दोबारा कि आपको समझ में आए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसके बाद 1.24 गुणा 0.219 गुणा 133.1, ठीक है। सबसे पहले बात है डेसिमल की, तो इसको हटाया तो नीचे यहाँ पे 10 का गुणा हुआ, इसको हटाया नीचे गुणा यहाँ पे 100 का हुआ, इसको हटाया नीचे गुणा कितना का हुआ? 1000 का हुआ, ठीक है। ये लगभग है, ये इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 का हो जाएगा, यहाँ इसको हटाएंगे फिर 3 का हो जाएगा, 2 3, और फिर इसको हटाएंगे तो 10 का हो जाएगा। अब देखिए ये 10, ये 10 इससे कट गया, ये 100 इससे 100 कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। तो 10 सारे हट गए। अब देखिए ये 248 है, तो 248 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 124 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है भाई, 73 हो गया, फिर 121 भी हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए 124 तो ऐसे लिख लीजिए क्योंकि ये कट जाएगा। अब 219 को कैसे लिख सकते हैं 73 के फॉर्म में? तो 73 गुणा 3 अगर लिखेंगे तो 221 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या है? 1331, तो 1331 को अगर आप देखेंगे तो अगर ये, तो ये हो जाएगा 121, तो ये लिखना ही लिखना है, और इसमें कितने का करेंगे 131 जाएगा 11 का, और कर दीजिए तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 124 से 124 कट गया, 73 से 73 कट गया, 121 से 121 कट गया, कितना बचा? 2/3 × 11, तो आंसर आ गया 2/33। बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया, वरना आप पहले इनको मल्टीप्लाई करते फिर डेसिमल लेते फिर ऐसा सब कुछ करते तो इसमें बहुत ही वक्त लग जाता। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी प्रकार के होते हैं जो कि इतनी जल्दी सॉल्व होता है, क्वेश्चन नहीं होता है कि आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़े और फिर आपको आंसर का डिवाइड करना पड़े, तो इतना टाइम, क्योंकि क्वेश्चन भी टाइम के अनुसार ही रखा जाता है प्रश्न पत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 2x = a है और 4a = 2b है तो x/b का मान कितना होगा? x/b पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? x/b। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 1/a/2 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू यहां से हो जाएगी 4a/2, मतलब 2a, ठीक है। तो अब निकाल दीजिए x/b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है? 1a/2 = 2a, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? 1/4a, ठीक है। a से a कट गया तो कितना आ गया? 1/4, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों यहां तक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि 6 सही 1/4 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 6 सही 1/4 को भिन्न के रूप में आपको वर्णन करना है, तो 6 सही 1/4 को आप भिन्न के रूप में कैसे करेंगे भाई? तो इसमें देखिए भाई 6 4 24, पहले जिसको करेंगे तो ये कितना होगा? 25/4% हो जाएगा भाई, जैसे ही करते हैं ना 6 4 24 24 और 1 25, 25/4 हो गया ये, ठीक है। अब ये 25/4 हो गया तो फिर इसको कैसे करेंगे? परसेंट है तो इसको फिर से भाग देना है, किससे भाग देंगे? 100 से 25/4, 100 को भाग दे दीजिए तो आपको कितना बचेगा भाई? फर्स्ट फोर्थ होता है, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, मतलब 25 25 × 1/4/100, ये होता है। तो 25 × 100, तो 1/16 के भिन्न के फॉर्म में आपका आ जाएगा। 27 डिग्री का कोण रेडियन माप में किसके बराबर होगा, कितने के बराबर होगा? 27 डिग्री को रेडियन में आपको चेंज करना है, तो आपको पता है कि भाई 1 डिग्री बराबर क्या होता है? π/180 रेडियन होता है, होता है। तो अब 27 डिग्री निकालना है, तो 27 डिग्री कितना होगा? π/180 × 27। जब इसको आप इसको करेंगे सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 3π/20, 3 से कट जाएगा, 9 से होती है 27 और 9 × 2 = 18, 20। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता, ब्याज की दर बताइए। 5 वर्ष का टाइम है, टाइम बराबर कितना है? 5 वर्ष,
और कितना हो जा रहा है, कितना उसने लगाया, मान लीजिए x लगाया, कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो इसके लिए हमने आपको अपने मैथ के वीडियो में ट्रिक बताई थी, जितना गुना पूछा जाए और जितने उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2x से x हो रहा, डबल हो रहा है, तो मतलब 2 माइनस 1, ठीक है, ब्याज की दर। ये ट्रिक हमने आपको मैथ की वीडियो में बताई थी हमने आपको, कि ब्याज की दर बताओ क्या होती है, जितना गुना पूछा जाए माइनस एक बटा जितना समय दिया हो और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से। तो कितना होगा, 1/5 × 100, तो ये कर देंगे तो ये कितना प्रतिशत आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 20%। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और ऐसे ही आप 1 से 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं कि जितना गुना पूछा जाए। जब भी आपको मूलधन और मिश्र धन में अगर रिलेशन दिया हो और आपके ब्याज दर की पूछी, तो जितना गुना पूछा जाए उसको भाग दे दीजिए समय से और मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको समय दिया हो और वो पूछा हो तो भी यही करना है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।